हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट सीखो जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएल शेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो एक जस्ट एक स्विंग ट्रेड बेस के ऊपर होने वाली है, जो कि एक मोमेंटम प्ले के साथ हम प्ले करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनीज की फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस हम इस चैनल पर करके देंगे विद 100% जेन्युइन कंटेंट। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये एक यूपीएल का एक 1 वीक का चार्ट है। तो इसके अंदर मैं आपको क्लियर दिखाना चाहूँगा कि इस शेयर के अंदर क्या मोमेंटम हमें दिखने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि कल मार्केट में जिस हिसाब की करेक्शन थी, ठीक है, 2% से ऊपर की करेक्शन थी, लेकिन इस शेयर के अंदर उस लेवल की करेक्शन आपको नहीं देखने को मिली होगी। क्यों, और मैं आपको कुछ डाटा भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल सके कि अंदर खाते ही शेयर के अंदर क्या चल रहा है, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि आने वाले टाइम के अंदर इस शेयर के अंदर आपको मोमेंटम दे सकता है। तो ये चार्ट है, इस मैंने टाइम सेव करने के लिए ट्रेंड लाइन्स पहले ही ड्रॉ कर रखी है। तो मैं आपको क्लियर यहाँ दिखाना चाहूँगा कि मार्केट क्या लेकर चल रही है चार्ट के अंदर। सबसे पहले तो ये मार्केट का टारगेट एरिया, ये देखिए 1, 2, और ये जो एरिया है, ये इस एरिया के आसपास कहीं भी मार्केट अपना ये टारगेट बनाएगी सब, और मार्केट ने ये सपोर्ट जोन जो बनाया है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड ये, और इसके अंदर जो मार्केट ने टारगेट, देखिए दोनों एंगल से मार्केट यहाँ टारगेट लेके चल रही है, एक तो इस एंगल से मार्केट ये टारगेट ले रही है और दूसरे एंगल से ये, और क्लियर आप देखिए कि कितना अच्छा यहाँ मतलब मार्केट ने टारगेट सजेस्ट किया। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग है। तो फ्रेंड्स, आप इस शेयर के अंदर जो भी पोजीशंस बनाएं विद स्टॉप लॉस ही बनाएं, क्योंकि हमें चार्ट के अकॉर्डिंग चलना होगा। अगर चार्ट में कहीं भी कोई रिवर्सल आता है तो हमें जैसे हमारा वो स्टॉप लॉस हिट होता है, हमें उस स्टॉप लॉस के हिट होने के साथ ही हमें शेयर से निकल जाना है। तो हमें क्लियरली इस शेयर के अंदर एक मोमेंटम प्ले के लिए हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं जो आप कर सकते हो। और मैं आपको कुछ एक स्ट्रेंथ दिखाता हूँ, जो इंटरनल कुछ डाटा दिखाता हूँ जो इस शेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, आप ये देखिए इस शेयर के अंदर देखिए हाई ट्रेड क्वांटिटी हुई है, ये देखिए 4 मई 2022 की बात है, और उसके बाद मेक हायर हाई फॉर 3 डेज, उसके बाद क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। कोई भी शेयर जब 52 वीक हाई जोन के अंदर एंटर करता है तो ये उसके लिए काफ़ी स्ट्रेंथ की बात होती है। और उसके बाद देखिए स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क, सेक्टर और इंडेक्स दोनों को ये आउट परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद देखिए इसमें क्लोज विद इन 2 ईयर हाई जोन एंड 5 ईयर हाई जोन, देखिए स्ट्रॉन्ग, इतने ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, आप ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। और आप ये देखिए, मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए हाई इंक्रीज इन 1 मंथ, हाई इंक्रीज इन 1 ईयर, हाई इंक्रीज इन 2 ईयर, तो कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस शेयर के अंदर आप ये देखिए। और ये हमने चार्ट के अंदर भी एनालिसिस किया कि इसका क्या टारगेट रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैं क्लियर दिखाना चाहूँगा, आप थोड़ा सा जूम करके, जो आपका ये स्टॉप लॉस रहने वाला है इस शेयर के अंदर वो मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वो आपका स्टॉप लॉस एरिया रहेगा। एक मिनट फ्रेंड्स, बस मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हाँ जी, ये रहा, ये आप, ये जो लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस एरिया रहेगा। अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो आप इस शेयर के अंदर से निकल सकते हैं।
बाकी फ्रेंड्स जो मार्केट बता रही है, जो ये लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो फ्रेंड थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना चाहते हैं वो इस लाइन को स्टॉप लॉस बना सकते हैं, और जो फ्रेंड्स छोटे स्टॉप लॉस के अंदर रहना चाहते हैं वो इस लाइन को एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, और एक अच्छा मोमेंटम आपको इस शेयर के अंदर आते हुए दिखेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको, और जो टारगेट एरिया रहेगा वो आपको मैंने दिखाई दिया है कि टारगेट एरिया ये रहेगा, जो कि 1200-1250 के आसपास आता हुआ हमें दिख रहा है। क्योंकि इस शेयर के अंदर सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये देखिए ये टू ईयर हाई जोन और 5 ईयर हाई जोन के अंदर एंटर कर गया है, तो यानी इसके अंदर एक बड़ी चाल आती हुई दिख रही है स्विंग ट्रेड के लिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये इस टारगेट को अचीव करे, और फ्रेंड्स जैसे जैसे ये शेयर ऊपर जाएगा आपने इस लाइन का वेट नहीं करना है, आपने जैसे इस लाइन के आसपास ये शेयर मिले आपने उसी टाइम अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि जैसे मार्केट इस टारगेट को हिट करेगी इसमें काफ़ी अच्छे लेवल से एकदम क्लियर शार्प आपको सेलिंग आते हुए दिखेगी। तो फ्रेंड्स आपको इस टारगेट का पूरा वेट नहीं करना है, जैसे इस टारगेट के आसपास पहुँचे आपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है और आपने बाहर आ जाना है, क्योंकि काफ़ी अच्छे ढंग से इसमें फिर जैसे ये टारगेट पूरे होंगे इसमें आपको सेलिंग देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको सभी टारगेट्स और स्टॉप लॉस क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये थी UPL के ऊपर कंप्लीट एक मोमेंटम स्ट्रेटजी वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।